अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यात ठराविक भारतीयांनाच आमंत्रण होतं. त्यापैकीच एक होती अभिनेत्री मनस्वी. मनस्वीला याआधी आपण ॲक्शन जॅक्सन या सिनेमात पाहिलं होतं. प्रेसिडेंट ट्रम्प यांच्या विजयातही मनस्वी आणि तिच्या बाबांचा मोठा वाटा आहे असं तिचंच म्हणणं आहे. मनस्वीसोबत केलेली ही खास बातचीत पाहूया. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यात ज्या मोजक्याच इंडियन सेलिब्रिटीजचा समावेश होता त्यापैकीच एक म्हणजे मनस्वी आहे. मनस्वी माझ्यासोबत आहे. मनस्वी, बहुत बहुत स्वागत आहे आपका 24 तास में. थँक यू, वेलकम. और मनस्वी, डोनाल्ड ट्रम्प इनकी शपथविधि में आपका सहभाग था और उसके बाद में काफ़ी बातें चल रही थी, तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प इनके साथ की मीटिंग आपकी हुई, वो डैडी के थ्रू हुई, शलभ कुमार जी जो आपके डैड है, और ये जो प्रोसीजर था, ये पूरा प्रोसेस सबसे पहले तो उसके बारे में बताएंगे. प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन. वो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन. वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं. वो ऐसा नहीं पॉलिटिशियन की तरह बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं. और जब पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई 15 अक्टूबर की रैली में, तो बिकॉज ही हैड अ पेजेंट एंड आई एम अ फॉर्मर मिस इंडिया, तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई. तो बहुत सारी अफवाहें थी तब उनके बारे में. जब मैंने पहली बार उनसे मिली तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है. मीडिया ज़रूर कुछ फैब्रिकेट कर रही है, बिकॉज कोई भी सेंसिबल बंदा, ही सो सेंसिबली टॉक्स सेंसिबली, ऐसा नहीं हो सकता है. तो वहाँ से एंड ऑल्सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे रैली में उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी. और स्पीच ख़त्म होने के बाद वापस आए स्टेज पर, बोला वी लव इंडिया, वी लव हिंदूज. तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए थे वो लोगों के साथ, और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट भी करते हैं. इस इलेक्शन में उन्होंने वो पता करा क्या कॉमन इंसान चाहता है अमेरिका का, जो दूसरी पार्टी वाले नहीं कर पाए. वो समझ पाए कि डीप इनसाइड अमेरिकन्स क्या चाहते हैं. तो वो कनेक्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं लोगों के साथ. ये उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. जैसे एरिक ट्रम्प एक हमारे हिंदू इवेंट में आए थे, जहाँ उन्होंने आरती करी हमारे साथ. तो आपको मिस बॉलीवुड के नाम से बुलाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प? बॉलीवुड, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम बहुत मुश्किल है मैंने से, तो आई थिंक बॉलीवुड ईजी है. बट या सो यू नो देयर फैमिली इज़ अमेजिंग, अमेजिंग फैमिली. द किड्स आर अमेजिंग, इवांका, एरिक, डॉन. सो आई थिंक एज फैमिली दे आर वेरी वेरी यूनाइटेड एंड वेरी गुड. और मनस्वी, जिस तरह से आप डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ़ कर रही है, या आप खुद उनकी एडमायरर है, आपने कहा आपने उनके साथ समय बिताया है, लेकिन फिर ये जो मीडिया बायस आता है, या फिर उनकी शपथ विधि के वक्त भी काफ़ी ए लिस्टर्स सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर नहीं थे, या अभी भी ऐसे काफ़ी ए लिस्टर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो क्या कारण है इस पीछे, आपको क्या लगता है? सी आई थिंक मेरिल स्ट्रीप ने भी उनके बारे में बोला. क्या है, इन लोगों का नाम होता है लिमोजीन लिबरल्स. ये रहते हैं लग्जरीज़ में और बात करते हैं कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स की. ठीक है, जो आप जब उस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हैं, तो आप एक आम अमेरिकन की बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात है, सबका अपना ओपिनियन है, सबको अपने ओपिनियंस प्रकट, इट्स अ फ्री वर्ल्ड. आप अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो उसमें किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. बट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ वन 306 इलेक्टोरल वोट्स, तो उन्होंने कुछ तो नब्ज़ पकड़ी होगी आम एक अमेरिकन की, नॉट दीज यू नो सेलिब्रिटीज़. सेलिब्रिटीज़ आर नॉट जस्ट नॉट ओनली अमेरिका, इज़ नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज़, एवरीबडी, राइट? सो ही इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ एवरीबडी. अभी कुछ लोगों को नहीं समझ आता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, या उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ठीक है. बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी चीज़ अगर पीसफुली हुए तो अच्छा है. जैसे मैडोना आई थी वहाँ पे, उन्होंने बोला आई वांट टू बर्न द व्हाइट हाउस, इट्स नॉट रिस्पेक्टेबल. उन्होंने बहुत सारा अपशब्द यूज़ करे, तो इट्स नॉट रिस्पेक्टेबल. एज अ वुमेन, एज अ वुमेन, लाइक आई फील अशेम्ड. यू नो, आप पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, नो प्रॉब्लम्स. बट यू इफ से डर्टी थिंग्स, से आई वांट टू बर्न हाउस, दिस इट्स नॉट रिस्पेक्टेबल. यू डिमीन योर सेल्फ. शी डिमीन हर ओन सेल्फ इंस्टेड ऑफ डिमीनिंग द प्रेजिडेंट. यू नो, अगर आप गाली देते हैं तो आपका रिफ्लेक्ट करता है पर्सनालिटी, नॉट समबडी एल्स. कुछ तो सोचा होगा ना पूरी अमेरिकन पब्लिक ने, जिन्होंने उनको वोट किया, और कितने बड़े मार्जिन से, ऐसा नहीं बहुत छोटा है, तो कुछ तो
सोचा होगा अमेरिकन्स ने जो उनको प्रेसिडेंट बनाया. काफ़ी लोगों को जो पता नहीं है कि इससे पहले भी यूएस में काफ़ी बार इलेक्शंस हुए, पर तब हिंदूज के जो वोट्स थे उसकी संख्या इतनी नहीं थी, पर इस बार हिंदू के वोट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई. और और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बोस्ट, आई वॉन्ट टू स्टिल से वेरी हम्बल, पर हम आरएचसी ने और हिंदूज ने इस बार के इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. इनफैक्ट आई थिंक सम की छोटे छोटे स्टेट्स में, जो की स्टेट्स थे, उनमें हिंदू वोट्स का बहुत एक अहमियत रही है. अपने एक्शन जैक्सन ये फिल्म की और उसके बाद से आप तो गायब हो गई, तो अब आप इन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव थी, पॉलिटिकल जो आपकी आरएचसी ये जो पार्टी है अमेरिका में, और आप लोग काफ़ी एक्टिव है और आप भी अभी इस काम में काफ़ी एक्टिव है, तो आगे बॉलीवुड के कुछ प्लान्स हैं और मिस्टर ट्रंप से आपकी बात होती है, जैसे आपने कहा कि वो आपको बॉलीवुड करके ही बुलाते हैं, तो उनसे आपकी बात होती है, तो इंडिया यूएस के कुछ कुछ रणनीतियाँ बन रही है इस बारे में? आई थिंक इंडिया और यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, और डेफिनेटली इन दोनों का स्ट्रॉन्ग टाइज एंड स्ट्रॉन्ग एलाइज दोनों को बेनिफिट करेगा. इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में डिफेंस को लेके अगर कुछ यू नो एग्रीमेंट्स हो, ट्रेड बढ़े, तो अमेरिका में भी जॉब्स इंक्रीज होंगी और इंडिया में भी जॉब्स बढ़ेंगी. एंड दोनों के लीडर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं इस वक्त, बहुत ही एबल हैं, बहुत ही एडमायरेबल हैं, तो आई थिंक इंडिया और यूएस के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं है. और जब हम ट्रेड और इकॉनमी और प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो बॉलीवुड क्यों पीछे रहे, तो हम चाहेंगे, क्योंकि हम आरएचसी में भी ट्राई एंड वर्क कि इंडिया की और इंडियंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं हम वाइट हाउस तक पहुँचाएँ. तो बॉलीवुड की बात है तो हम सब्सिडीज़ की बात कर सकते हैं, कोई ग्रांट की बात कर सकते हैं टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, तो वाई नॉट. आई थिंक बहुत सारे फील्ड्स में हम काम कर सकते हैं और ये मेरी स्पेशलाइजेशन है. और बॉलीवुड में वापस आने की बात, अब मेरा थोड़ा लाइन डिफरेंट है, पर उस लाइन के अकॉर्डिंग कोई अच्छा रोल मिलेगा तो आई विल टेक. थैंक यू सो मच मानसवी एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश्वर सह जयंती वाग्धरे, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.